दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एआई के थ्रू इंट्रो वीडियो जनरेट करते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम कुछ इस तरह का वीडियो हम यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो वीडियो जनरेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र में आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, वंडरशेयर बीरबो करके। तो इसका यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इसका ये यूआरएल है birbo.wondershare.com। जैसे आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वीडियो टेम्पलेट। जैसे आप वीडियो टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई सा भी एक टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एक टेम्पलेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इस टेम्पलेट को ओपन करता हूँ, जैसे हम इस टेम्पलेट पर होवर करेंगे तो आपको नीचे की ओर एक ऑप्शन मिलेगा साइज का। अब आपको किस स्क्रीन के लिए आपको वीडियो जनरेट करना है, जैसे कि हमें मोबाइल के लिए मतलब शॉर्ट वीडियो के लिए हमें वीडियो जनरेट करना है तो यहाँ पर हम साइज़ करेंगे 9.16। इस साइज़ हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम साइज़ सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जो वीडियो यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगी। जैसे हमारी वीडियो इम्पोर्ट होगी, अब नीचे आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है। तो यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को हम करते हैं कॉपी पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप वीडियो का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड। जैसे आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एक बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इस बैकग्राउंड को यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में ऐड करता हूँ। जैसे हम इस बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो जो बैकग्राउंड है ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो जैसे हमने इस बैकग्राउंड पर क्लिक करा है तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा सबटाइटल का। अगर आपको वीडियो पे सबटाइटल शो कराना है तो आप इसको ऑन करोगे, अगर आपको सबटाइटल शो नहीं कराना है क्लोज कर दोगे। तो अब हमें वीडियो पे सबटाइटल भी शो कराना है तो इसको हम यहाँ पे इनेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा आपको लैंग्वेज का। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में करना है तो आप हिंदी सेलेक्ट करोगे, अगर आपको इंग्लिश में सेलेक्ट करना है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मेरे को अब अरबिक में करना है तो यहाँ पर अरबिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कोई सा भी एक वॉइस ओवर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं एक वॉइस ओवर को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे हम सेलेक्ट पे। जैसे हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो वॉइस ओवर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो है वीडियो है वो एक्सपोर्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो अभी एक्सपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब नीचे हमें एक आइकन मिलेगा डाउनलोड का, तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम डाउनलोड आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जो हमारी वीडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इस वीडियो को ओपन करते हैं। तो ये जो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है और यहाँ पर हमारा वॉइस ओवर भी आ चुका है और यहाँ पर हमारा सबटाइटल भी आ चुका है। तो इस तरह से आप एआई के थ्रू अपना इंट्रो वीडियो आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।